राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपी न्यूज 24/7। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामजिलाल सुमन ने भारी संख्या में सपा समर्थकों के साथ हाथरस गल्ला मंडी का किया निरीक्षण। राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रामजिलाल सुमन ने समाजवादी पार्टी के साथियों सहित नवीन मंडी स्थित क्रय विक्रय सहकारी समिति गेहूँ खरीद केंद्र का चरण निरीक्षण किया और वहां उपस्थित गेहूँ किसानों से वास्तु स्थिति की जानकारी। रामजिलाल सुमन ने कहा कि स्थिति बद से बदतर है। भाड़े के ट्रैक्टर ट्रॉली में गेहूँ भरकर 4 दिन से लेकर 7 दिन तक किसान इस खरीद केंद्र पर पड़े हुए हैं और कोई उनकी सुध लेने को तैयार नहीं है। खरीद केंद्रों पर हो रहे शोषण के संबंध में स्थानीय प्रशासन का निरंतर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है, लेकिन गेहूं खरीद केंद्रों पर आज तक अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। गेहूं खरीद केंद्रों पर किसानों की सुविधा नहीं हुई है। खरीद केंद्र अपने सुविधा अनुसार गेहूं की खरीद करते हैं। भारी मात्रा में गेहूं लेकर जब किसान इस केंद्र पर पहुंचते हैं तो उन्हें आधा अधूरा एक गेहूं खरीदने का भरोसा दिलाया जाता है। अफसोस की बात यह है कि जनपद में अभी भी हजारों किसान ऐसे जिनका गेहूं खरीदने हेतु पंजीकरण हुआ था लेकिन उनका गेहूं नहीं खरीदा गया। गेहूं खरीद केंद्रों पर किसानों से ज्यादा ध्यान व्यापारियों का रखा गया है। गेहूं के घोषित समर्थन मूल्य का लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। किसानों की आमदनी दोगुनी करने वाली भाजपा सरकार निरंतर किसानों का शोषण कर रही है। गेहूं के उत्पादन लागत बढ़ रही है और जब किसान परिश्रम करके गेहूं उत्पादन कर बेचने जाता है तो उसको अपनी फसल का वाजिब दाम नहीं मिलता। गेहूं खरीद केंद्र किसानों की लूट के केंद्र बने हुए हैं। गेहूं खरीद केंद्र पर अभी भी दर्जनों की संख्या में किसान पड़े हुए हैं। 500 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रतिदिन का ट्रैक्टर ट्राली का भाड़ा किसान को देना पड़ता है। भाजपा राज में श्रम की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। किसानों की परेशानियों को निरंतर नजरअंदाज किया जा रहा है। रामजिलाल सुमन ने कहा कि होना ये चाहिए था कि जनपद के आलापुरा सरम इस गेहूं खरीद केंद्रों का निरंतर निरीक्षण करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सभी काम भगवान के भरोसे चल रहा है। आज गेहूं खरीद की अंतिम तिथि है। इस तिथि को कम से कम 30 जून तक बढ़ाया जाए और जितने किसानों ने पंजीकरण कराया सरकार किसानों का पूरा गेहूं खरीदे। रामजिलाल सुमन के साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष उमती यादव, सपा के जिला महासचिव जैनुद्दीन चौधरी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह सोलंकी, रामनारायण काके, देवपाल कुशवाहा, चौधरी विजय सिंह, संजीव यादव, हेमंत गौड़, लक्ष्मण सिंह और पप्पू चौधरी, श्याम सिंह, कंचना चौधरी, अवधेश कुमार, कायम सिंह, भगवान सिंह, माहौल चौधरी, धर्मवीर सिंह, विवेक यादव, राणा प्रताप सिसोदिया, प्रताप सिंह प्रधान, गौरी शंकर बघेल, पप्पू जाटव चौधरी, फौरन सिंह, फुस्ताख खां एवं जोधपाल आदि सपा नेता भी कार्यक्रम में सम्मिलित थे। आइए देखें विस्तार से अनिल चौधरी की खास रिपोर्ट। क्या मामला है? आज समाजवादी पार्टी का एक बड़ा डेलीगेशन समाजवादी पार्टी के तमाम पदाधिकारी और आप राष्ट्रीय महासचिव। ये सरकारी गेहूं खरीद केंद्र है। इन खरीद केंद्रों पर किसानों की लूट हो रही है और हमने पहले भी ध्यान आकर्षित किया था प्रशासन का कि खरीद केंद्रों पर व्यापारियों का गेहूँ पहले खरीदा जाता है और न सिर्फ हाथरस के व्यापारी। मेरी ये निश्चित जानकारी है कि पास पड़ोस के व्यापारियों के लिए भी हाथरस जनपद एक मुफीद जगह है जहाँ व्यापारियों को गेहूँ खरीदा जाता है। अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि साथ साथ 8-8 दिन से किसान ट्रैक्टर और ट्रॉली किराए पर लेकर के यहाँ पड़े हुए हैं, उनका गेहूँ नहीं खरीदा जा रहा है और जो खरीदा भी जा रहा है तो किसान की सुविधानुसार नहीं, समिति की सुविधानुसार खरीदा जा रहा है। अफसोस की बात यह है कि जिन लोगों ने अपना पंजीकरण कराया था जनपद में, मेरी जानकारी यह है कि 3-4 हज़ार किसान अभी भी ऐसे हैं जिनका पंजीकरण हुआ था लेकिन उनका गेहूँ नहीं खरीदा गया। 15 जून उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींच दी कि 15 जून तक हम किसानों को गेहूँ खरीदेंगे। बाद में 22 जून हाथरस मंडी और सादाबाद तक की तिथि उन्होंने बढ़ाई थी, लेकिन इसके बावजूद भी तमाम ट्रैक्टर यहाँ खड़े हुए हैं, किसान हैं, परेशान हैं, उनका गेहूँ नहीं खरीदा जा रहा। हम ये चाहते हैं कि इस तारीख को और आगे बढ़ाया जाए, कम से कम तिथि 30 जून तक की जाए और हम ये चाहते हैं कि जितने किसान हैं जिनका पंजीकरण है
हाथरस जनपद में एक भी किसान ऐसा न बचे जिसने गेहूं पैदा किया है उसका गेहूं खरीद केंद्रों पर न लिया जाए। पीपी न्यूज़ 24x7 सच्चाई कलम की नोक पर।